For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. सालों में या महीनों में एक ऐसी फिल्म आती है जो इंसान को as a person आप कैसे हैं उस सोल को झंझोड़ के रख देती है और वैसी ही फिल्म है छपाक. जी हाँ. वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा. मैं हूँ ज्योति नाहक. आज छपाक का ट्रेलर लॉन्च था. ऑफकोर्स ट्रेलर देखकर रोंगटे खड़े ना हो ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज ट्रेलर अपने आप में इतना फुलफिलिंग है, अपने आप में इतना ज़्यादा इमोशनल है. कुछ ट्रेलर्स होते हैं एंटरटेनिंग होते हैं, कुछ ट्रेलर्स होते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड हिटिंग होते हैं. ये ट्रेलर हार्ड हिटिंग है. ये ट्रेलर सीधा आपके दिल को छुएगा, सीधा आपके रोंगटे खड़े कर देगा और आंसू भी ज़रूर आएंगे ये ट्रेलर देखने के बाद. बिकॉज जिस तरीके से ट्रेलर का पहला सीन दिखाई देता है हमें, जहाँ पर हमें दीपिका पादुकोण की आवाज़ सुनाई देती है, यानी कि उनकी कैरेक्टर मालती की आवाज़ सुनाई देती है, ऐसे में दोस्तों मालती की जब आवाज़ आती है और जिस तरह वो चीखती हैं जब उन पर एसिड फेंका जाता है, जिस तरह वो चीखती हैं, वो चीख ही अपने आप में इस बात का पुख्ता सबूत है कि ये फिल्म कितना ज़्यादा इमोशनली ड्रैग कर लेगी आपको, अपने साथ एंगेज कर लेगी और बांध के रखेगी. ये हमें इस ट्रेलर से समझ में आ गया. डेफिनेटली एक पावर पैक टीम है. फॉक्स स्टूडियोज ने प्रेजेंट किया है छपाक को, अलॉन्ग विद ऑफकोर्स दीपिका पादुकोण इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग. फर्स्ट टाइम एज ए प्रोड्यूसर डेब्यू करने जा रही है इस फिल्म से, छपाक से. जैसा कि उन्होंने खुद भी कहा कि ये जो फिल्म है ये उनके करियर की बेस्ट फिल्म है, और ट्रेलर देखने के बाद हमें भी ऐसा लगता है कि ये फिल्म उनके करियर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म ही है. डायरेक्टर की बात करना चाहूँगी, मेघना गुलजार की. ऑफकोर्स मेघना एक ऐसी डायरेक्टर हैं जो इतनी समझदार हैं, हम उनसे हर बार अच्छा और समझदारी वाला कॉन्सेप्ट की उम्मीद करते हैं और वो हर बार अपनी उम्मीदों पर, हमारी उम्मीदों पर खड़ी उतरती हैं. मेघना ने जिस ब्यूटीफुल तरीके से, यू नो, एंगेजिंग तरीके से इस ट्रेलर को बनाया है, आई एम श्योर पिक्चर भी उतनी ही अच्छी होने वाली है. एक तो टॉपिक लक्ष्मी जिन पर एसिड अटैक हुआ था काफ़ी सालों पहले, उनकी कहानी पूरे देश ने देखी, पूरे देश ने जानी, लेकिन उसकी असलियत क्या है, क्या क्या चीज़ें हुई होंगी उस वक्त, क्या कैसा हाल रहा होगा एक एसिड सर्वाइवर. एक एसिड सर्वाइवर जो है, सर्वाइवर नहीं, रादर में फाइटर कहना चाहूँगी, एक एसिड फाइटर जो है किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में उस हौसले को वापस लेकर आता है. बिकॉज कहीं ना कहीं जब हम ऐसा कुछ सोचते भी हैं तो रूह कांप जाती है, डर लगता है हमें सोचकर. ये नहीं कि चेहरा ख़राब हो जाएगा या नहीं, लेकिन ज़िंदगी में बहुत डर बैठ जाता है ऐसा कुछ सोचकर. जिन्होंने इस चीज़ को फेस किया है उनके लिए एक मैसेज है ये स्टोरी, उनके लिए एक इंस्पिरेशन, उनको इंस्पिरेशन मानकर ये स्टोरी बनाई गई है, और आम जनता के लिए एक मैसेज है ये इस बात का कि सूरत बिगाड़ी है लेकिन सीरत नहीं बिगाड़ सकते. मन को नहीं बदल सकते आप मेरे, तन को भले ही जो मर्जी आपने बिगाड़ दिया हो. कहीं ना कहीं ब्यूटीफुल मैसेज है. सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस ट्रेलर की है, आप दीपिका पादुकोण को दीपिका पादुकोण नहीं बल्कि आपको लगेगा कि मालती जो कैरेक्टर है उनका, लक्ष्मी से इंस्पायर्ड कैरेक्टर है, वो आपको एज इट इज़ नज़र आएंगी. सिर्फ हाइट का फ़र्क है, बाकी बॉडी लैंग्वेज का, पर्सनालिटी का, बोलने का तरीका, सोचने का तरीका, स्क्रीन पर जैसा आप, यू नो, प्रोडक्ट अपना दिखा रहे हो, जिस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हो अपने आप में दीपिका पादुकोण, आप सोच भी नहीं सकते जब आप स्क्रीन पर दीपिका को देखोगे. वन ऑफ द मोस्ट गॉर्जियस एक्ट्रेसेस ऑफ आर इंडस्ट्री दीपिका पादुकोण, जिसको हमने पद्मावती के रूप में देखा है, हम उन्हें द्रौपदी के रूप में देखने वाले हैं, यू नो, वेरोनिका के अवतार में देखा है. एक ऐसी एक्ट्रेस, इतना साधारण और सिंपल और इतना इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इतनी ब्यूटिफुली ग्रेसफुली निभा जाती है, ये अपने आप में दाद देने वाली बात है. बिकॉज जब ए लिस्ट एक्टर्स, जी हाँ, ऐसी कहानियों को बड़े बड़े सितारे जब लेकर आते हैं तो रीच उन फिल्म्स की, उन कैरेक्टर्स की ज़्यादा दूर तक पहुँच पाती है, मैसेज जो है वो ज़्यादा दूर तक जाता है. विक्रांत मैसी अमोल का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जहाँ पर जिन्होंने लक्ष्मी यानी रियल लाइफ जो लक्ष्मी है उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया इस जर्नी में थ्रू आउट, और कहीं ना कहीं दिल दहला देने वाली कहानी है ये. क्योंकि ट्रेलर जब दिखाया गया, ट्रेलर लॉन्च पर मैं जब मौजूद थी वहाँ, ट्रेलर जब दिखाया गया रोंगटे खड़े हो गए और आंसू आ जाते हैं आपकी आंखों में ऐसा कुछ देखकर, क्योंकि आप महसूस नहीं कर पाते उस इंसान का दर्द जिसके साथ हुआ है. कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मैसेज है ये फिल्म ऐसे लोगों के लिए. ट्रेलर फैंटेबुलस है, फैंटास्टिक ट्रेलर है, मुझे ट्रेलर बहुत पसंद आया. मेघना गुलजार के लिए, दीपिका के लिए, विक्रांत मैसी के लिए ये ट्रेलर डेफिनेटली आग लगा देगा यूट्यूब पर, और लगा ही रहा है फिलहाल. दीपिका की फाइनेस्ट परफॉर्मेंस है ये, और फिल्म के लिए अब एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि ये स्टोरी जो है घर घर तक जानी चाहिए. आप मुझे लेकिन बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगे, और साथ ही साथ आपको ट्रेलर कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में जाके बताइए. दिस इज़ ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ. और हाँ, इसमें कहने वाली बात नहीं है, लेकिन ये ट्रेलर शायद स्टार्स से बहुत आगे है, तो इसको हम स्टार्स नहीं देंगे, बिकॉज दिस ट्रेलर डिजर्व्स अ सैल्यूट. दिस इज़ ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ.